शुरू करते हैं चैप्टर 48 अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप इन टेली एआरपी 9। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है और अनसिक्योर्ड लोन के ग्रुप में कौन कौन से लेजर बनते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि दोस्तों चैप्टर 46 लोन एंड एडवांसेस असेट्स में हमने ये देखा था कि लोन दो तरह के होते हैं। पहला लोन वो जो हमने किसी से लिया है, दूसरा लोन वो जो हमने किसी को दिया है। और चैप्टर 46 में हमने ये अच्छे से समझा था कि जो लोन हम किसी को देते हैं उसका लेजर लोन एंड एडवांसेस असेट्स के ग्रुप में बनता है। और चैप्टर 47 में हमने ये देखा था कि जो लोन हम किसी से लेते हैं वो लोन दो तरह के होते हैं। पहला सिक्योर्ड लोन, जिसके बारे में हमने चैप्टर 47 में अच्छे से समझा है, और दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। तो सिक्योर्ड लोन के जस्ट अपोजिट, ऐसा लोन जो हम किसी भी बैंक से, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से या किसी भी व्यक्ति से लेते हैं और उस लोन के बदले कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, HDFC बैंक से 1,00,000 रुपए का लोन लिया और 1,00,000 रुपए के लोन के लिए समझदार आदमी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखता है और 1,00,000 रुपए का लोन बैंक बिना सिक्योरिटी के भी कर देती है। तो ऐसा कोई भी लोन हो जिसके लिए सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, जैसे पर्सनल लोन भी होता है 50,000 का, 1,00,000 का, 1.5 लाख का, जिसके लिए हमें सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, तो ये सारे अनसिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। तो आप देखते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन के ग्रुप में कौन कौन से लेजर बनते हैं। तो फिर से यही कहूंगा कि कोई भी ऐसा लोन हो जो बिना सिक्योरिटी के मिल जाता है उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। चाहे आपने कोई सी भी बैंक से वो लोन लिया हो, एनी बैंक लोन अकाउंट, उसका ग्रुप जाएगा अनसिक्योर्ड लोन। दूसरा, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन अकाउंट, उसका भी ग्रुप जाएगा अनसिक्योर्ड लोन। और तीसरा, एनी फ्रेंड्स और रिलेटिव लोन अकाउंट, उसका भी ग्रुप जाएगा अनसिक्योर्ड लोन। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चैप्टर 47 में और चैप्टर 48 में केवल इतना फर्क है, जो लोन सिक्योरिटी देकर के हुआ है वो सिक्योर्ड लोन है और जो लोन बिना सिक्योरिटी के हो गया है वो अनसिक्योर्ड लोन है। तो अब देखते हैं अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप का नेचर क्या होता है। तो जैसा कि अभी तक हमने पूरे वीडियो में ये जाना है कि यहाँ पर उस लोन की बात हो रही है जो लोन हमने किसी से भी लिया है, और जो लोन हम किसी से लेते हैं तो उसे वापस भी चुकाना पड़ता है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पर लायबिलिटी है। तो इसी बेसिस पर अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप का नेचर लायबिलिटी का होता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड में शो होता है। तो ये था आज का हमारा सिंपल सा वीडियो, सिंपल सा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिना किसी परेशानी के समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के अगर PDF में नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरे किसी भी ग्रुप की डिटेल जाननी है तो उसके लिए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां से आप दूसरे ग्रुप की डिटेल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।